अस्सलाम वालेकुम एसए टाइम्स के साथ मैं हूं शकील अंजुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है अल्लामा नासर मदनी साहब, जो किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। उनसे आज कुछ ऐसे सवाल आज पूछेंगे जो आप सब जानना चाहते होंगे उनके बारे में। अल्लामा साहब, आप ये आपकी ज़िंदगी में इश्क मोहब्बत का कितना मतलब है? देखिए, आप इश्क मोहब्बत की बात छेड़ती है, सबसे ज़्यादा मैं आपको नसीहत कर दूँ कि ये दसिया किसी इश्क के मुफ्ती तो मोड़ मोड़े फरमावे ना सकते दिल लग जाए तो ऐब बदला। अच्छा, सारी दुनिया आपकी मरीज हो जाए। अच्छा, मतलब आपके नज़दीक इश्क मोहब्बत की क्या डेफिनेशन? मैं तो किसी को अपना फैन करना हो तो क्या करना, बस उसकी बुराइयाँ देखनी या छोड़ दें तो उसकी अच्छाइयाँ उसके सामने बयान करें, और उसकी अगर बुराइयों को देखने जगह दोगे वो कभी भी आप करें। तो आप भी किसी से इश्क करते हैं? मैं तो सबसे ज़्यादा इश्क करता हूँ अपने खान से। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लास्ट में आप अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में अपने चाहने वालों को यही पैगाम दूंगा कि दुनिया में जब आप जाएँ तो आपको दुनिया में लोग अच्छे नाम से याद करें, और आपके मरने के बाद कहें कि यार इसने मुझे इतना वजीफा लगाया था, यार इसने मेरे घर का राशन उठाया था, तो वो आपको अच्छे लगते हैं। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत सारे यूथ लाइक करती है और आपके फैन हैं। आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये कोरोना वायरस के हवाले से क्या मैसेज है? मैं आज की यूथ को कहूँगा, लाल शर्ट डोंट टच मी, कोरोना साढ़े नेड़े नहीं आना, कोरोना घर से नहीं आना, कोरोना बाहर से आना, इसलिए बाहर मत जाना, घर में रहना। कोरोना बाहर से ही आना, कोरोना घर से नहीं होना, इसलिए बाहर मत जाना, और डोंट टच मी कोरोना, घर बैठ के अल्लाह अल्लाह कराना, इंटरनेट चलाना और बाहर मत जाना। अल्लामा साहब, आपको कोई शायरी वगैरह से लगाव है? जी, शायरी से लगाव है, मगर उस शेर को जो मैं अपनी तरफ मोड़ लूँ, ये ना हो कि मुझे उसको उसी हालत में बहुत पढ़ लें। हमारे नाज़रीन के लिए कोई एक शेर सुना। मैं अपने चन्ना वास्ते एक शेर पढ़ देना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अल्लामा साहब, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे आप इम्प्रेस हों? आपसे तो बहुत सारे लोग इम्प्रेस थे, लेकिन किसी ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे आप भी इम्प्रेस हों? जी, मैं मलिक मिराज खालिद साहब से निगरान वज़ीर आज़म, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने नाम पाकर भी दुनिया में अपना अच्छा नाम ही छोड़ के गए और कुछ नहीं छोड़ा। अल्लामा साहब, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहला काम जो है ना, अगर अल्लाह मुझे वज़ीर आज़म बना भी सकता है, क्रिकेटर बन सकते हैं, बॉलिंग बन सकते, तो अल्लाह ने अगर मुझे वज़ीर आज़म बनाया तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं सारे पाकिस्तान के जो वर्कर की तनख्वाह होगी वही वजीर की, वही वजीर आज़म की होगी, वही हार। अल्लामा साहब, आपकी जो पहली आमदन थी वो कितनी थी, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहली आमदनी वो तकरीबन जलसे में जाते होते थे, 300 देता था, 500 देता था, 1000 देता था, उस टाइम फिर सस्ता दौर था, मोटरसाइकिल भी 10-20 हज़ार की होंगी सी, मेरा चैनल तो हूँ मोटरसाइकिल 1-2-5 लैन जाओ 1.25 लाख कर दी है, उदो टैंकी जी 50 दी 100 की भर दी सी, हूँ तेरे वर्गे चैनल 100 रुपया तो ये होने लग गए तेरे चैनो कोई मेरी मखनो। ऐसे टाइम को लाइक भी करो और शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और मेरे चैनल अगे लोग अगे शुरू।